लखनऊ आता हूं तो अवध के इस क्षेत्र का इतिहास, मलिहाबादी दशहरी जैसी मीठी बोली, खान पान, कुशल कारीगरी, आर्ट, आर्किटेक्चर, सब कुछ ऐसे सामने की तरफ देखने लग जाता है। मुझे अच्छा लगा कि तीन दिनों तक लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया यानी भारत के शहरों के नए स्वरूप देश भर के एक्सपर्ट्स एकत्र आकर के मंथन करने वाले हैं। यहां जो प्रदर्शनी लगी है वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियां और देश के नए संकल्पों को भली भांति प्रदर्शित करती है। और मैंने अनुभव किया है, पिछले दिनों जब डिफेंस का कार्यक्रम किया था और उस समय जो प्रदर्शनी लगी थी, सिर्फ लखनऊ ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश उसे देखने के लिए पहुंचा था। मैं इस बार भी आग्रह करूंगा कि ये जो प्रदर्शनी लगी है, यहां के नागरिकों से मेरा आग्रह है, आप जरूर देखिए। हम सब मिलकर के देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं। हमारे विश्वास को जगाने वाला ये अच्छा प्रदर्शनी है, आपने जरूर देखनी चाहिए। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरुपर्व, ईद ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है और भोजन का निमंत्रण भी मिल गया है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ऑनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया है, 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। ये बहुत प्रशंसनीय निर्णय है। लेकिन साथियों, जब हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को ये उनके नाम मिलकत होगी, तो उतना हमारे मन में रजिस्टर नहीं होता है। लेकिन मैं थोड़ा आपको उस दुनिया में ले जाता हूं, आपको अंदाज आएगा कि ये निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, किसी भी परिवार में जाइए, अच्छा है गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ स्थिति का बयान कर रहा हूं। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पर, गाड़ी है तो पति के नाम पर, स्कूटर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर, लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है, उस महिला के नाम कुछ भी नहीं होता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन
बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसका मालिकाना हक महिला को दिया जाए। साथियों, आज लखनऊ के लिए एक और बधाई का अवसर है। लखनऊ ने अटल जी के रूप में एक विजनरी मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्र नायक देश को दिया है। आज उनकी स्मृति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित की जा रही है। मुझे विश्वास है ये चेयर अटल जी के विजन, उनके एक्शन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को विश्व पटल पर लाएगी। जैसे भारत की 75 साल की विदेश नीति में अनेक मोड़ आए, लेकिन अटल जी ने उसे नई दिशा दी। देश की कनेक्टिविटी, लोगों की कनेक्टिविटी के लिए उनके प्रयास आज के भारत की मजबूत नींव है। आप सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरी तरफ स्वर्णिम चतुष्क, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी दोनों तरफ एक साथ दृष्टि और दोनों तरफ विकास का प्रयास। साथियों, वर्षों पहले जब अटल जी ने नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के महानगरों को जोड़ने का विचार रखा था तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा संभव है। 6-7 पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर, करोड़ों शौचालय, तेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सफलता दुनिया देख रही है। भारत आज पीएम आवास योजना के तहत जितने पक्के घर बना रहा है वो दुनिया के अनेक देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। एक समय था जब घर की स्वीकृति से लेकर उसको जमीन पर उतरने में ही बरसों लग जाते थे। जो घर बनते थे भी वो शायद रहने लायक थे कि नहीं, ये सवालिया निशान जरूर पूछे जाते थे। घरों की साइज छोटी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खराब, एलोटमेंट में हेरा फेरी, ये सब मेरे गरीब भाइयों बहनों को भाग्य बना दिया गया था। 2014 में देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे देश की संसद में पहुंचाया। और जब हमने आपने हमें दायित्व दिया तो हमने अपना दायित्व निभाने की ईमानदार कोशिश की है। साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा, पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी।
कहां 13 लाख और कहां 1 करोड़ 13 लाख। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। साथियों, ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है लेकिन उससे घर नहीं कह सकते। लेकिन वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हुए हो, तब इमारत घर बन जाती है। साथियों, हमने घरों के डिजाइन से लेकर घरों के निर्माण तक की पूरी आजादी लाभार्थियों को सौंप दी है। उनको मर्जी पड़े वैसा मकान बनाए। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके कोई ये तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी खिड़की उधर होगी या इधर होगी। 2014 के पहले सरकारी योजनाओं के घर किस साइज के बनेंगे इसकी कोई स्पष्ट नीति ही नहीं थी। कहीं 15 स्क्वायर मीटर के मकान बनते थे तो कहीं 17 स्क्वायर मीटर के। इतनी छोटी जमीन पर जो निर्माण होता था उसमें रहना भी मुश्किल था। 2014 के बाद हमारी सरकार ने घरों की साइज को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई। हमने ये तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा। हमने घर का साइज भी बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना शुरू किया। गरीबों के बैंक खातों में घर बनाने के लिए भेजी राशि कितनी है इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीएम आवास योजना शहरी की तहत केंद्र सरकार ने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। साथियों, हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए, ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है।
साथियों, मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश घरों के निर्माण में आगे नहीं बढ़ रहा था। आज लखनऊ में ही, और जब मैं आज लखनऊ में हूं तो मुझे लगता है जरा विस्तार से ये बात बतानी चाहिए, बतानी चाहिए ना। हाँ, आप तैयार हैं? हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनीति का शिकार हो जाती है ये समझने के लिए भी यूपी के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी, बावजूद इसके 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूं, 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। गरीबों के लिए घर बनवाओ, इसके लिए हमें पहले जो यहां सरकार में थे उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी, 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 18 घर भी बनाकर नहीं दिए। 18,000 घरों की स्वीकृति और 18 घर भी न बने। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, 18,000 घरों की मंजूरी थी लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए 18 घर भी नहीं बनाए। पैसा था, घरों की स्वीकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे वो इसमें लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। उनका ये कृत्य यूपी के लोग, यूपी के गरीब कभी नहीं भूल सकते। साथियों, मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9,00,000 घर बनाकर दिए गए हैं। शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में 14,00,000 घर निर्माण के अलग अलग चरणों में है। अब घर में बिजली, पानी, गैस, शौचालय ऐसी सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो गृह प्रवेश भी पूरी खुशी के साथ, आन बान के साथ हो रहा है। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूं तो कुछ होमवर्क भी देने का मन करता है। दे दूं? लेकिन आपको करना पड़ेगा। करेंगे? पक्का? देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है और अभी योगी जी भी शायद मैं पूछ रहा था, इस बार दीपावली में अयोध्या में कहते हैं 7,50,000 दिए हैं, 7,50,000 दिए का कार्यक्रम होगा। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए। देखे, अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9,00,000 घर दिए गए हैं वे 9,00,000 घर 18,00,000 दिए जला करके दिखाएं। हो सकता है क्या? जिन परिवारों को ये 9,00,000 परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे दो दो दिया अपने घर के बाहर जलाएं, अयोध्या में 7,50,000 दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18,00,000 दिए जलेंगे, भगवान राम जी को खुशी होगी।
भाइयों और बहनों, बीते दशकों में हमारा शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें जरूर बनी, लेकिन जो अपने श्रम से इन इमारतों का निर्माण करते हैं उनके हिस्से में झुग्गियों का ही जीवन आता रहा है। झुग्गियों की स्थिति ऐसी जहां पानी और शौचालय जैसी मूल सुविधाएं तक नहीं मिलती। झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहनों को अब पक्के घर बनाने से बहुत मदद मिल रही है। गांव से शहर काम के लिए आने वाले श्रमिकों को उचित किराए पर बेहतर रिहाइश मिले, इसके लिए सरकार ने योजना शुरू की है। साथियों, शहरी मिडिल क्लास की परेशानियां और चुनौतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा कानून ऐसा ही एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया है। मिडिल क्लास अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए पहली बार घर खरीदने वालों को लाखों रुपयों की मदद भी दी जा रही है, उन्हें कम ब्याज दरों से भी मदद मिल रही है। हाल ही में मॉडल टेनेंसी एक्ट भी राज्यों को भेजा गया है और मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने तुरंत ही उसे लागू भी कर दिया है। इस कानून ने मकान मालिक और किराएदार दोनों की बरसों पुरानी दिक्कतें दूर हो रही है। इससे किराए का मकान मिलना में आसानी भी होगी और रेंटल प्रॉपर्टी के बाजार को बल मिलेगा, अधिक निवेश और रोजगार के अवसर बनेंगे। भाइयों और बहनों, कोरोना के काल में वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो नियम बनाए गए उनसे शहरी मिडिल क्लास का जीवन और आसान हुआ है। रिमोट वर्किंग के आसान होने से कोरोना काल में मिडिल क्लास के साथियों को बहुत राहत मिली है। भाइयों और बहनों, अगर आप याद करें तो 2014 से पहले हमारे शहरों की साफ सफाई को लेकर अक्सर हम नकारात्मक चर्चाएं ही सुनते थे। गंदगी को शहरी जीवन का स्वभाव मान लिया गया था। साफ सफाई के प्रति बेरुखी से शहरों की सुंदरता, शहरों में आने वाले टूरिस्ट, इस पर तो असर पड़ता ही है, शहर में रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी ये बहुत बड़ा संकट होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन के तहत बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। बीते वर्षों में शहरों में 60 लाख से ज्यादा निजी टॉयलेट और 6 लाख से अधिक सामुदायिक शौचालय बने हैं। 7 साल पहले तक तो यहां सिर्फ 18% कचरे का ही निष्पादन हो पाता था, वो आज बढ़कर 70% हो चुका है। यहां यूपी में भी वेस्ट प्रोसेसिंग की बड़ी क्षमता बीते वर्षों में विकसित की गई है और आज मैंने प्रदर्शनी में देख बढ़ाते हैं। हमारे इन भाई बहनों के लिए भी अब टेक्नोलॉजी का एक साथी बनकर के लाए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। इसमें भी यूपी के 7 लाख से ज्यादा साथियों ने
स्वनिधि योजना का लाभ लिया है, अब उनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है और वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेनदेन भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले पूरे देश के टॉप 3 शहरों में 2 हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। पूरे देश में नंबर 1 है लखनऊ और नंबर 2 पर है कानपुर। कोरोना के इस समय में ये बहुत बड़ी मदद है। मैं योगी जी की सरकार की इसके लिए बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज जब मैं हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथियों द्वारा डिजिटल लेनदेन की बात कर रहा हूं तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि पहले कैसे इसका मजाक उड़ाया जाता था, कहा जाता था कि कम पढ़े लिखे लोग कैसे डिजिटल लेनदेन कर पाएंगे। लेकिन स्वनिधि योजना से जुड़े रेहड़ी पटरी वाले अब तक 7 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेनदेन कर चुके हैं। अब ये थोक व्यापारियों से भी कुछ खरीदने जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। आज ऐसे ही साथियों की वजह से भारत डिजिटल पेमेंट में नए रिकॉर्ड बना रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी पिछले 3 महीने में हर महीने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का डिजिटल लेनदेन हुआ है, यानी बैंकों में लोगों को आना जाना उतना ही कम हो रहा है। ये बदलते हुए भारत और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भारत की ताकत को दिखाता है। साथियों, बीते वर्षों में भारत में ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण की चुनौती दोनों पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हुआ है। मेट्रो भी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज भारत मेट्रो सेवा का देश भर के बड़े शहरों में तेजी से विस्तार कर रहा है। 2014 में जहां 250 किलोमीटर से कम रूट पर मेट्रो चलती थी, वहीं आज लगभग 750 किलोमीटर में मेट्रो दौड़ रही है। और मुझे आज अफसर बता रहे थे कि 1050 किलोमीटर पर काम चल रहा है। यूपी के भी 6 शहरों में आज मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य या फिर उड़ान योजना, ये भी शहरी विकास को गति दे रहे हैं। 21वीं सदी का भारत अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। और साथियों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के इन सारे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है रोजगार निर्माण। शहरों में चाहे मेट्रो का काम हो, घरों का निर्माण हो, बिजली पानी का काम हो, ये बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर बनाते हैं। एक्सपर्ट्स उन्हें फोर्स मल्टीप्लायर मानते हैं। इसलिए हमें इन परियोजनाओं की गति को बनाए रखना है। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में तो पूरे भारत की, भारतीय संस्कृति की प्राणवायु समाई है। ये प्रभु श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है। यूपी की समृद्ध विरासत को संजोना संवारना, शहरों को आधुनिक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। 2017 के पहले के यूपी और बाद के यूपी का अंतर उत्तर प्रदेश के लोग भी अच्छे जानते हैं। पहले बिजली यूपी में आती कम थी, जाती ज्यादा थी, और आती भी थी तो वहां आती थी जहां नेता चाहते थे। बिजली सुविधा नहीं, सियासत का टूल थी। सड़क सिर्फ तब बनती थी जब सिफारिश हो। पानी की स्थिति तो आप सभी को पता है। अब बिजली सबको, सब जगह एक समान मिल रही है। अब गरीब के घर में भी बिजली आती है, गांव की सड़क,
किसी सिफारिश की मोहताज नहीं है, यानी शहरी विकास के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है वो भी आज यूपी में मौजूद है। मुझे विश्वास है आज यूपी की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो योगी जी के नेतृत्व में तेजी से पूरी की जाएगी। एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।